मगर पैसे कमाते हैं। ये देखो ना इनका पहनावा कैसा बदल गया है, ये क्या क्या पहन रही है। तुम पागल हो सीरियस? अरे पहनावा बदल गया तो चेंज करो ना। चाहता है ये सब, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ढकी हुई रहे। तो ढकी हुई है, ये क्या प्रॉब्लम है? ढकी हुई है, कहाँ ढकी हुई है? ये देख रहा हूँ पूरी पैंट किस तरह की। तुम ऐसे कपड़ों को लेके मुझे जज करोगे? शादी से पहले भी था, इन्फ्लुएंसर थे, मैं चार लोगों के साथ घूमती थी, वीडियो शूट करती थी, काम करती थी। तुम्हें शादी से पहले सोचना था, अब क्या तुम्हारे दिमाग में सब चल रहे? तुम्हें कोई और लड़की मिल गई, तुम मुझे ऐसे जज कर रहे हो? तो ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना था, पहले भी तो मैं ऐसी थी। आप सॉरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप हमारी बातें सुन रही हैं? आपकी बातें मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ कि इस तरीके से लड़कियों से बात करते हैं क्या? मैडम बीवी है मेरी। क्या है? बीवी है मेरी। तो बीवी से इस तरीके से बात करते हैं? चेंज हो गए बिल्कुल, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं चाहता हूँ मुझे तलाक मिल जाए। क्या चाहते हो? तलाक मिल जाए मुझे, डिवोर्स मिल जाए। और ये क्यों चाहते हो आप? तो शादी आपको करना है कि आपकी फैमिली को शादी करना है, कि पूरे परिवार मिल के शादी कर रहे हो आप? वो मेरे लिए किसी और को देख रहा है ना, मुझे उससे शादी करनी है ना। ये आपको शादी से पहले सोचना था। तो तुम अब ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पति नहीं, मेरे अलावा कितने बॉयफ्रेंड है, मैं क्या करूँ? लेकिन आप तो बोल रहे हो, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप अभी बोल रहे हो कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है। अभी आप बोल रहे हो कि इनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, मतलब अगर कुछ भी मौका नहीं मिला तो लड़कियों के अंदर ब्लेम निकाल दो कि इनका कैरेक्टर खराब है। इनके बता रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो इस तो ये तो बहाना आप दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि आपकी फैमिली, आप तो बोल रहे हो, आप कहां पर खड़े हो, आप कितना सही कर रहे हो? आप तो बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि आपकी, मुझे नहीं देना, मुझे तो नहीं देना, किसी कोई और मिल गई है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई और मिल गई है क्या? शादी और बीवी होने के बाद ऐसे करते हैं क्या लोग? आपका नाम क्या है? आशु। आशु आपका नाम है, और आपका क्या नाम है? इसके नाम है मेरा। इसके नाम है आपका। तो आप अगर ये नॉन मुस्लिम थी तो ये आपको अभी तो नहीं हुई है, ये तो पहले से थी। मैं प्यार करता था ना, जब मैंने ये सब कुछ देखते थे, ये सब हटा के मैंने इनसे प्यार किया कि चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड वगैरह छोड़ देंगी, मगर अब भी मुझे सुनने में आ रहा है कि इनके फ्रेंड वगैरह, तो मैं क्या करूँगा? मेरी सुनने में आ रहा है क्या मतलब होता है? आप देख नहीं रहे हो, आपकी बीवी है तो कोई दूसरा आपको बता रहा है? मुझे क्या पता है क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अच्छा क्या, कौन इनके कौन से दोस्त है, किन के साथ घूमती हैं ये? मैं उनका क्यों बताऊंगा? अगर उनका बता दूंगा तो फिर मुझे पता कहां से चलेगा क्या नाम है, क्या क्या चल रही है मेरे पीठ के पीछे? ये करेंगे नहीं, और छुप छुप के क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं करती। मेरा तो पहले से था, मैं लोगों के साथ अपने चार फ्रेंड्स के साथ घूमती थी, शूट करती थी, इन्फ्लुएंसर थी, अब इन सबको इंसाइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, आपने जब शादी करी थी इनसे तो क्या ये इन्फ्लुएंसर नहीं थी? ये मैडम मैं चाहता था क्या नाम है, लेकिन ये बदले, लेकिन अब बदली नहीं तो मैं क्या? अरे भाई तो शादी आपने इन्फ्लुएंसर से किया, एक अच्छी खासी लड़की है जो चार लोगों के साथ काम कर रही है, आप उसको क्या चाहते हो? आप उसको घर में बैठा दोगे? नहीं चाहता, ये काम धंधा करे, कुछ भी करे, मैं चाहता हूं घर पे बैठ के रोटी खाए। सारी बात तुम्हारी शादी से पहले भी हुई है। एक मिनट, आप कितना कमाते हो? मैं कमा लेता 25,000 रुपए कमाते हो ना आप? कितना कमाते हैं? 80,000। बेहतर कौन है? ये इसी चीज का तो घमंड आ रहा है ना इनके अंदर। घमंड किस बात का भाई? एक मिनट मेरी बात सुनो, ये काम कर रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत कमा करके अगर ये पैसे कमा रही है, अगर इन्फ्लुएंसर है 80,000 रुपए कमा रही है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैडम 80,000 कमा रहे, आपको अपना काम छोड़ करके आप इनकी मदद करो, मेरी बात सुनो, ये जहाँ जाती है काम करने वहाँ जाओ, इनके साथ काम करो, इनके साथ क्यों नहीं करते हो? मैं आगे काम करूँ, क्यों नहीं करोगे? मुझको ताना पड़ा क्या नाम है, जोरों की कमाई खा रही है नहीं, ये किसी भी वक्त पे बोल रही है। आपको ये चीजें समझनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी बीवी अगर 80,000 का, अपनी बीवी की मदद करनी चाहिए ना, आप जाओ उनके साथ, क्यों नहीं जा रहे हो आप? मैडम मैं क्यों जाऊंगा? मैं कमा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, ये कमा रही है खुद के लिए, क्योंकि इनको इस चीज़ का घमंड आ गया है इस चक्कर में। अभी जब मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, क्या किया तुमने मेरी फैमिली? अच्छा आपको इनको तलाक देना है तो जाओ कोर्ट में केस करो इनके खिलाफ, तलाक दो। तो आप इनके रहते हुए कैसे शादी कर रहे हो? मैं तो आपने अगर ये नहीं देंगी मुझे इसी तरीके से शादी, मैं दूंगी नहीं डिवोर्स, देनी पड़ेगी तुम्हें। अरे तो बिना लीगली, एक लीगली आप कंप्लेन नहीं करोगे, लीगली जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक आप दूसरी शादी कैसे कर लोगे? ये सारे लड़के ऐसे होते हैं लड़कियों के साथ। नहीं आपकी भी गलती है इसमें, आपको अभी सोचना चाहिए, शादी से पहले ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आपकी फैमिली कहाँ है?
मेरी फैमिली आउट ऑफ दिल्ली है। आउट ऑफ दिल्ली है तो आप अपनी फैमिली से क्यों नहीं बात करते हो? के लिए सब कुछ छोड़ के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ के इनके पास आई हूं। क्या किया तुमने मेरे लिए? तुम्हारे लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है? मैं तो अपनी फैमिली से जैसे लड़ा नहीं तुम्हारे लिए। नहीं क्या लड़े, तुम अपनी फैमिली के साथ तो हो ना। मैं तो अपनी फैमिली के साथ राजी नहीं हो रही तुम्हारे लिए, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मतलब आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी ऐसी है क्या? मेरी फैमिली को भी ला रहा हूँ इसमें भी। क्यों नहीं लाऊं मैं आपकी फैमिली? अब क्यों नहीं एग्री हो रही है? फैमिली को बीच में ला रहा हूँ भैया। आप इनकी फैमिली से तो आपने इनको पहले ही अलग कर दिया, आपको इनको इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर दिया, अब छोड़ दिया। अब क्यों आपको अभी फैमिली अपनी क्यों दिख रही है? आपको थोड़ी दिन पहले जब इनसे शादी कर रहे थे क्यों अपनी फैमिली की बातें आपको समझ में नहीं आई? क्यों तब आपको याद नहीं आया फैमिली? प्यार करता था ना इससे। अब क्या खत्म हो गया? मुझे भरोसा ही नहीं है, इसमें क्या करूँ मैं? किस बात के लिए भरोसा नहीं है आपको? ये मेरे बीच बीच क्या कर रही है? मैं बाहर जाके काम कर रहा हूं। तो मत जाओ बाहर, इनके पीछे रहो। कमा तो रही है ना ये? अच्छा ये आपकी कमाई क्यों खाए फिर? क्यों मैं आदमी हूँ, मेरी कमाई नहीं खाएगी तो फिर किसकी कमाई खाएगी? मैं इसके लिए नहीं कमा रही हूँ और किसके लिए कमा रही हूँ? तो आप इनके साथ काम कर लो ना, आप मेरी बात सुनो। एक परिवार है, परिवार की तरह आप सोचो। आपकी वाइफ है चाहे आपकी पत्नी है जो भी है, अगर ये अच्छा काम कर रही है, ये ज्यादा कमा रही है, तो आप इनकी मदद करो ना। इसमें क्या दिक्कत है? पैसे कमाती है, देखो ना इनका पहनावा कैसा बदल गया है, ये क्या क्या पहन रही है। तुम पागल हो सीरियस? अरे पहनावा बदल गया तो चेंज करो ना। चाहता है ये सब, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ढकी हुई रहे। तो ढकी हुई है ये क्या प्रॉब्लम है? ढकी हुई है कहाँ ढकी हुई है? ये देख रहे हो पूरी पैंट किस तरह की चल रही है। तो तुम ऐसे कपड़ों को लेके मुझे जज कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो म्यूचुअली आप कर लोगे ना इस पे बात की आप इसके लिए डाइवोर्स दे दोगे? बात बताओ, मैं ऐसी पहले नहीं थी, शादी से पहले भी तो मैं ऐसी थी। अब तुम शादीशुदा हो ना तो अब इसी हरकतें। मेरी बात सुनो, ये चीजें नहीं होती ना ये शादी, इतनी सारी चीजें। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको नकाब वाली, अगर आपको बुढ़के वाली औरत चाहिए थी तो आप पहले देख लेते ये शादी का। ना मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे मिल रही है तो पहले ये क्यों चाहिए था? इन्हें मुझसे कहा था कि ना मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं करा मेरे लिए। मैंने सब कुछ किया है, उल्टा पिस्ता चला रही हूं। मैंने सब कुछ किया, तुम्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसका कुछ नहीं कर। अरे कोई अपनी फैमिली छोड़ दिया, मेरी बात सुनो, कोई अपनी फैमिली छोड़ दिया इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो मेरे अकेले के लिए छोड़ी, अपनी खुद की भी मर्जी थी इनकी छोड़ने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा सब कुछ तुम्हारे लिए। आपको ना समझना चाहिए, क्या एज है आपकी? 20 एज है ना आपकी। आपने 20 की एज में आपने शादी भी कर ली, आपको इतनी सारी, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का लड़का है ये? आपने क्यों अपनी फैमिली छोड़ी? हेलो मैडम, आप मुझसे कैसे उम्मीद डाल रहे हो? चुप रहो आप, तुमसे बात करने वाले, तुम बात करने लायक हो तुमसे? बस तुमसे बात करो, तुम उसकी साइड ले रही हो कि तुम क्या बात हो? नहीं मैं लड़की की बात नहीं है, मैं इसकी जगह कोई भी, अगर तुम्हारी बहन को इस तरीके से कोई छोड़ दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्यों छोड़ देगा, ऐसे कैसे छोड़ देगा? क्यों मैं नहीं खड़ा हुआ था? क्यों उसकी भी नहीं पसंद आएगा, अगले का आदमी को नहीं पसंद आएगा? तो नहीं आया तुम्हें, मतलब आपने परिवार की बात आई तो बहुत दिक्कत आया आपको, इतनी मिर्ची लग रही है। मैं बिल्कुल साइड ले रही हूँ। अगर आपको अगर ये पसंद नहीं है तो ये पहले भी ऐसी थी, तब आपको पसंद नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों इनसे किया? पसंद किया था एक टाइम था, पसंद थी अब नहीं है, मतलब यही चीजें हो गई ना, यूज किया छोड़ दिया, ऐसे ही होता है। आपकी बहन के साथ भी कोई करे तो कैसा लगेगा? क्यों मतलब आपकी बहन अलग हो गई, ये दूसरी हो गई। मैडम तो इनकी हरकतें देखो ना आप, क्या है हरकतें, क्या है? चोरी करती हैं? क्या चोरी करती हैं? आप पहनावा देख लो मुझे। अरे पहनावा से क्या दिक्कत है, पहले ऐसे नहीं पहनती थी? घूमना फिरना ये सब कुछ, ये तो आप घूमो ना साथ में, आप घूमो साथ में, आप जहाँ जाती। साल में एक दो बार चलेगा वो बहुत है। साल में एक दो बार नहीं, जैसे इनको ठीक लग रहा है। अगर ये कहीं पे जा रही है ना तो आप जाओ इनके साथ में, अगर इतनी प्रॉब्लम। काम पे रहता हूँ तो मैं कहाँ से जाऊँगा इनके साथ में? काम किस लिए करते हो? इनके लिए कर रहा हूँ ना। किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए ना। पैसा कमाने के लिए कर, तो पैसे कमा रहे हो ना आप इनके साथ? ये आपसे ज्यादा कमा रही है, आपसे 3 गुना कमा रही है। फिर तो आपका मेल ईगो है। सुनो 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 सुनो, तुम्हारा मेल ईगो है, इससे कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी बात सुनो, आप इनको समझा करके ना, आप इनके साथ रह करके भी ना कुछ नहीं पाने वाले हो, समझ रहे हो? अभी भी टाइम है आपके पास ना, छोड़ो ना, क्या इनके पीछे पड़ी हो? अपना लाइफ देखो यार, तुम अच्छे खासे काम करते हो, ये आपको घर पे बैठा देगा, ये आपको चेंज करने की बात कर रहा है। मैं चेंज तो कभी नहीं हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, आप इनकी पुलिस कंप्लेन करो। कंप्लेन तुम्हारी तो तुम्हें बात दिखा दूंगी, तुम ये चीजें आपको दिखेगी। और ये सारी चीजें ना मैंने रिकॉर्ड की है, उधर देखो कैमरा है, उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। हंसो आप, हंस लो हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन आज इसी तरीके से। नहीं तुमने बुलाया होगा। मैंने किसको नहीं बुलाया, तुम तो गए। मुझे देखो अभी पता चल गया तुम्हारी एक्टिंग, देख लो मेरे चाहते छोड़ लो जो कर रहे हैं तुमसे कर लो। ठीक है मेरी बात सुन के जाओ, जिस तरीके से अभी हंस रहे हो ना, इतना अगर रोए नहीं ना
और तुम जैसे इनके साथ कर रहे हो ना, ऐसा आपके साथ भी अगर नहीं हुआ ना तो याद रखना, देख लेंगे ये इस तरीके से यूज करते हो तो तुम्हारी औकात, समझ रहे हो आप? अरे अरे कुछ नहीं कर पाओगे आप, ना इनके पुलिस कंप्लेन करो, ऐसे लोगों को छोड़ रुको यहाँ पे, और इस वीडियो का ना पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, दिखना चाहिए इस आदमी की सच्चाई। मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ कि कैसे यूज करके छोड़ते हैं, आप ना इसकी कंप्लेन करो, सारी डिटेल इनकी पुलिस कंप्लेन करो, समझ रही हो? जो आपको नॉन मुस्लिम करके छोड़ रहा है, क्यों उसके साथ रहना? आपको ये चीजें ना सोचनी चाहिए, आपकी फैमिली की बात समझनी चाहिए आपको, इस तरीके से आप करके हो। मुझे तो मेरा मन है कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन मैं कैसे आपकी मदद करूं, जो इस तरीके से जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, जो आप छोड़ा है ना आज आपको नॉन मुस्लिम करके छोड़ दिया ना आपको, कैसा लगा आपको? ये चीजें आपको पहले समझनी चाहिए, छोड़ दिया कि पहनावा अच्छा नहीं है, 10 लड़कों के साथ घूमती है, क्या क्या नहीं आपके ऊपर लांछन लगाया, क्या क्या नहीं आपको ऊपर क्या क्या नहीं बोला गया आपको, दोस्तों की बात नहीं, ऐसा ही है। अभी भी डिफेंस मत करो, बचाने की कोशिश मत करो, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से इनका व्यवहार है, जिस तरीके से इन्होंने आपको यूज किया है, और हाँ इतनी बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो ऐसे किसी के बहकावे में आ जाती है, उनको समझना चाहिए कि कल हो के वो नॉन मुस्लिम करके आपको छोड़ देगा या फिर आपके साथ आपको रोने से कुछ नहीं होगा। अब काम करती हो ना पैसे कमाने के लिए, कितना मेहनत करती हो, अपनी हालत देखो, थोड़ा काम करो इस पे, किसी के सामने अपने इस तरीके से अपनी जिंदगी बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा।